हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुतीक्षण कुमार पांडे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? दिस इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए, तुम्हारी टांगे तो है ना, यानी इसके ऊपर आपने देखा, यू हैव लेग्स, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर तो है ना। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे चाचा खुसरो जोर से चिल्लाए और चिल्लाते हुए कहा, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर तो है ना। तो ये द फार्मर सेड, यानी द फार्मर जिसका नाम था जॉन बायरो, जिससे लेखक के चाचा से बातचीत हो रही थी, द फार्मर, वह किसान, सेड माने कहा, माई लेफ्ट लेग्स पेंस मी, मेरा जो बायां पैर है वो मुझे दर्द दे रहा है, अर्थात मेरा बायां पैर पीड़ित है, मेरा बायां पैर दर्द कर रहा है, यानी इतने दूर से चल कर आया हूँ, इस प्रकार जो मेरा बायां पैर है वो दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो ने दहाड़ते हुए कहा, रोड दहाड़ते हुए कहा, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said, उस फार्मर ने कहा, उस किसान ने कहा, that horse, उस घोड़े ने, cost माने उस घोड़े की कीमत चुकाया, me माने मुझे, $60 माने $60, उस घोड़े के लिए मुझे $60 की कीमत चुकानी पड़ी, अर्थात वह घोड़ा $60 की कीमत का था। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो, लेखक कह रहे हैं कि मेरे चाचा खुसरो ने कहा, आई स्पिट, मैं थूकता हूँ, स्पिट मीन्स थूकना, ऑन मनी माने धन पर, मैं धन पर थूकता हूँ, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा खुसरो ने कहा। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, उसको भी थोड़ा सा नाराज़गी हुआ, क्योंकि दोनों में बातचीत हो गई इस प्रकार से, तो ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल गया। क्या? ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, एंड स्टॉक आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल गया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन का मतलब पर्दा होता है, द स्क्रीन माने उस पर्दे वाले, डोर माने दरवाजे को, स्लैमिंग माने फटाक से बंद करते हुए, यानी बहुत तेज़ी से बंद करते हुए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, उस स्क्रीन वाले दरवाजे को, तो स्क्रीन दरवाज़ा मतलब क्या, उस पर्दे वाले दरवाजे को, यानी उस दरवाजे पर पर्दा लगा था, उस पर्दे वाले दरवाजे को स्लैमिंग फटाक से बंद करते हुए, मतलब बहुत तेज़ी से बंद करते हुए, वह स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने समझाया, अर्थात मेरी माँ ने उस किसान जिसका नाम जॉन बायरो था, जिसका वह घोड़ा था, जिसे एरम यानी लेखक और उनका चचेरा भाई जिसका नाम मुराद था, दोनों राइडिंग करना प्रारंभ किए इधर, तो इस प्रकार से जिसका घोड़ा था, उस किसान जिसका नाम था जॉन बायरो, उसको मेरी माँ ने एक्सप्लेन्ड माने समझाया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड, मेरी माँ ने कहा, सी माने उसने, अर्थात मेरी माँ, माँ के लिए आया हुआ है, सी सेड, उसने कहा, अर्थात मेरी माँ ने कहा, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका हृदय बहुत कोमल है, वे एक कोमल हृदय को रखते हैं, हैज माने रखना, या के पास, उनके पास एक कोमल हृदय है, या वे एक कोमल हृदय रखते हैं, या कह दीजिए कि उनका हृदय कोमल है, शी सेड, उसने कहा। इट इज़ सिंपली, बहुत साधारण सी बात है, दैट कि इट इज़ सिंपली, ये बहुत साधारण सी बात है कि सच अ लार्ज मैन, इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए भी, ही इज अ होम सिक, वह घर के लिए पीड़ित थे, अर्थात वह अपने मातृभूमि वाले घर के लिए पीड़ित थे, अर्थात उन्हें रह रहकर अपने मातृभूमि की आस सताती थी, तो यही आया हुआ होम